ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला नगर में स्थित तेवा एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत राम गोपाल कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों की मजदूरी देने में आनाकानी करता नजर आया, जबकि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के चलते ये आदेश है कि किसी भी अस्थायी या स्थायी व्यक्ति, मजदूर आदि को ना तो नौकरी से निकाला जाएगा और ना ही उसका वेतन काटा जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल मामला जनपद अमरोहा के गजरौला नगर में स्थित तेवा एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जिसमें राम गोपाल कॉन्ट्रैक्टर के नाम की एक फर्म में कुछ मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनका कहना है कि उनका कॉन्ट्रैक्टर राम गोपाल उनकी मजदूरी देने में आनाकानी कर रहा है। उनका कहना है कि लोग लॉकडाउन के चलते उनसे कंपनी एम्प्लॉय व कॉन्ट्रैक्टर राम गोपाल द्वारा कहा गया था कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें व अपने अपने घरों में रहे, आपका वेतन समय रहते आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लॉकडाउन का पालन करने हेतु सभी मजदूर अपने घर रुक गए, जिस कारण सभी मजदूरों को रोजमर्रा के खर्चों में काफी दिक्कत आने लगी। जब मजदूरों ने कॉन्ट्रैक्टर राम गोपाल से अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो उसने उन्हें पैसे देने में आनाकानी दिखाना शुरू कर दी, जबकि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन का पालन करने हेतु आदेश दिया गया है कि किसी भी स्थायी या अस्थायी व्यक्ति को ना तो नौकरी से निकाला जाएगा और ना ही उसका वेतन काटा जाएगा। लेकिन उसी का उल्टा करने में गजरौला नगर की कंपनियों के कुछ आला अधिकारी भारत सरकार के नियमों व आदेशों को खूंटी पर टांग कर कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलकर इन गरीब मजदूरों का पेट काटते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि मजदूरों द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन देने की बात भी कही गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली की दिक्कत ये है, जब लॉकडाउन लगा था तो कंपनी वालों ने भी और ठेकेदार ने भी ये कहा था कि सैलरी आपको पूरी दी जाएगी, आप ना आए, क्योंकि वैसे भी दिक्कत होती है सड़क पर निकलने वलने में। तो उसके बाद से ना ही तो सैलरी मिली है और ना ही कोई बात करने को तैयार है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ठेकेदार से बात करते हैं तो बोले भी हाँ भाई कुछ करेंगे कुछ करेंगे, फिर बाद में बात हुई तो ठेकेदार बोला बोले भी कंपनी वाले मना कर रहे हैं। सैलरी की दिक्कत है, जब ये यहाँ पर भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था उस समय पे जो है हमारे, हम जब कंपनी में गए थे तो हमसे कंपनी वाले और एम्प्लॉई और ठेकेदार हमसे बोले कि आप लोग जो है घर पर रहिएगा और लॉकडाउन के लॉकडाउन के बाद जो है आपको हर महीने जब तक लॉकडाउन रहेगा आपको सैलरी आपके घर पे पहुंचती रहेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और सरकार के आदेशों का पालन ठेकेदार ने नहीं किया। बताइए, हम लोग सभी परेशान हैं एक एक रुपए के लिए, परंतु ठेकेदार हमारी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ठेकेदार ने बोला था कि सैलरी आपके घर पहुँच जाएगी? हाँ, ठेकेदार ने बोला है, जो कंपनी में है जो कंपनी एम्प्लॉई उन्होंने बोला था कि आप घर रहिए, आपको तो घर पर ही सैलरी पहुँच जाएगी, आप बेफिक्र रहे हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास कोई ना तो वेतन आया है और हमने मार्च में जितनी ड्यूटी करी थी केवल हमें उन्हीं ड्यूटियों का, जो 10-15 ड्यूटी करी उनका ही पैसा आया, ना कि हमें पूरी महीने की सैलरी मिल पाई है।